मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। 21 दिसंबर को पार्टी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक बुलाई थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के ठीक एक दिन बाद यानी 22 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की ओर से मैनिफेस्टो कमेटी के गठन की घोषणा कर दी गई। इस कमेटी का अध्यक्ष कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बनाया गया है। पी चिदंबरम ने कहा, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की हवा का रुख भाजपा की तरफ है। भाजपा कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है और यही कारण रहा है कि भाजपा ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। क्योंकि भाजपा जब भी चुनाव लड़ती है तो ऐसे लड़ती है मानो वो जंग की आखिरी लड़ाई लड़ रही हो और उसे वो आखिरी लड़ाई हर हालत में जीतनी होती है। आगे पी चिदंबरम ने कहा, पार्टी चाहे तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की हवाएं दिशाएं बदल सकती है, लेकिन उसके लिए कांग्रेस पार्टी को BJP की ताकत और काबिलियत का एहसास होना चाहिए, जिसे देखते हुए पार्टी अपनी काबिलियत पर गौर करते हुए उस पर काम करे और आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी काबिलियत का ढंग से इस्तेमाल करते हुए चुनाव जीतने की कोशिश करे। अपनी बात को पूरा करते हुए पी चिदंबरम ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारना होगा जो कम से कम चुनाव में 400 से 450 सीटों पर भाजपा का डटकर मुकाबला कर सके। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में 40% रहा है, लेकिन अगर पार्टी चाहे तो लोकसभा चुनाव से पहले अपना वोट शेयर 40 से 50% बढ़ा सकती है। पर इसके लिए पार्टी को चुनावी प्रचार से लेकर चुनाव के आखिरी दिन तक अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। बता दें, CWC की बैठक में एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें पार्टी की ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए दावे और जमीनी हकीकत में रात दिन का अंतर है। साथ ही रेजोल्यूशन में पार्टी की ओर से ये भी कहा गया कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है और लगातार लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। जिन मुद्दों पर मोदी सरकार को बात करनी चाहिए उन मुद्दों पर तो मोदी सरकार बात करती नहीं है। 2024 में होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी का अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सीनियर लीडर पी चिदंबरम को बनाया गया है और संयोजक छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव को बनाया गया है। बता दें, इस कमेटी में प्रियंका गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जयराम रमेश और शशि थरूर भी शामिल होंगे, जो आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को विशेष निर्देश देंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। नमस्कार।